नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज वर्मा टावर नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। मुबारकपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान लूट की घटना कारित करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से अवैध तमंचे और कारतूस तथा लूट के रुपए व लूट की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पूर्व में एक अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हो चुका था। 25 दिसंबर 2023 को वादी मुकदमा विजय यादव पुत्र हृदयनारायण यादव निवासी ग्राम मनचोभा ककरहटा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के साथ मुजरापुर बमहौर रोड एक्सप्रेसवे पर अंडरपास के नज़दीक अज्ञात बदमाशों द्वारा तमंचा सटाकर पल्सर मोटरसाइकिल और सैमसंग मोबाइल लूटकर भाग जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और पुलिस ने विवेचना जारी की। उसके बाद आज मुठभेड़ के दौरान इस अभियुक्त को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। क्या कुछ कहा अपर पुलिस अधीक्षक SP CT शैलेंद्रलाल ने, आपको सुनवाते हैं। आज सुबह पुलिस व बदमाशों के बीच में थाना मुबारकपुर क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है बमहौर पुलिया के पास, जिसमें दो बदमाश, जिसमें एक नीरज पाल जो नीवी बुजुर्ग का रहने वाला है व दूसरा वसीम जो बमहौर का रहने वाला है, दोनों के दाहिने पैर में गोली लगी है। यह बदमाश मुकदमा अपराध संख्या 629/23 धारा 392 के मुकदमे में वांछित चल रहे थे। इन बदमाशों से लूटी गई मोटरसाइकिल 2500 रुपये व दो तमंचे व कारतूस बरामद हुए हैं। इसी प्रकरण में पूर्व में एक बदमाश नीतीश यादव पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ था। शेष एक अभियुक्त गिरफ्तारी की जानी शेष है। शीघ्र ही इन सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई व प्रॉपर्टी जब्ती करने की कार्रवाई भी की जाएगी।